हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत, सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला से सेवा सिंह। अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो तीन है आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन, पीएम कौन। देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात ये है, कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे? सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पर डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहां पे इश्यूज हैं, वहां पे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं और वहां पे हाँ टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। धन्यवाद। मसले से सर्वमित्र कंबोज। नमस्कार सर, इधर। सर मैं देख रहा हूं आप स्पीच में जवान और यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा, अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।